रखी है, लेके आऊँगा लेके आऊँगा लेके आऊँगा, लेकिन मसरूफियत की वजह से यार मैं जा ही नहीं पाता था। आज मैंने पक्का ये इरादा बना लिया है कि आज चलते हैं मार्केट में और अच्छी खूबसूरत फिशेज लेके आते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आ जाए जी, चलते हैं मछलियाँ लेने के लिए मार्केट में। दोस्तों फाइनली मैं मछलियाँ लेके आ चुका हूँ। अच्छा, जिस शॉप पे मुझे जाना था ना वो दुकान थी बंद, ठीक है, तो फिर दूसरी दुकान से मुझे मछलियाँ लेनी पड़ी। बस मैंने ले ली, लेकिन जिस दुकान पे जाना था उसके पास ज़्यादा वैरायटी थी तो वहाँ जा नहीं सका मैं, क्योंकि उसकी शॉप आज बंद थी, आज जुम्मे के दिन की वजह से। चलिए जी दोस्तों, फाइनली देखिए हमने भाई एक्वेरियम का भी फिलहाल इंतज़ाम कर लिया है, और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी मछलियाँ इसके अंदर जाती हुई हमारी। आराम से डालो, आराम आराम से, आराम आराम से। कितनी चली गई? दो चली गई। ये देखिए जी कितनी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी सी, और ये हमारी एक्वेरियम में डल रही हैं भाई, और एक्वेरियम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। चलो भाई डालो डालो डालो, आराम आराम से डालो, आराम आराम से। फिशेज हमारी हो गई हैं आप अपनी एक्वेरियम के अंदर बंद। फिशेज की जो बोतल है ना दोस्तों, इसको मैंने यहाँ रख दिया है भाई, क्योंकि अबू बकर जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। अभी देखें थोड़ी देर पहले ना इसने पता है क्या किया है, इसने वो मेरी डक्स का जो आलू होता है खाने का ना, मैं अपने रैबिट को खिलाता हूँ आलू, वो ला के इस बोतल के अंदर डाल दिया है। अब वो निकालना इतना मुश्किल बनेगा ना, अभी पानी दोबारा निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा से डालना पड़ेगा। तो बाकी हमारे फिशेज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, अब थोड़ी देर में इसकी देखते हैं सेटिंग कहीं अच्छी जगह बनाते हैं भाई। फिलहाल मैंने ये जो फिशेस का हमारी बॉल है ये यहाँ पे फिट कर दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को बताना ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको ये फाउंटेन हमारा कैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जगह तो हम चेंज कर ही देंगे थोड़े ही दिन में, लेकिन अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे हमारा फ़िश रूम कैसा लग रहा है। अगर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है फिर इसकी जगह ऐसी बार तब्दील कर देंगे। अच्छा, दोस्त मेरे मुझसे ज़रूर बोलेंगे कि भाई ये फिशेज आप इसके बजाय ना अपने फाउंटेन में डाल दें। तो यार फाउंटेन में डालने की दोस्तों एक वजह ये है कि फाउंटेन में हमारी डक्स खुलती हैं और डक्स इसमें खा लेंगे, इसमें छोटी फिशेज हैं, छोटी छोटी फिशेज हैं ना, तो डक्स हमारी इसको खा भी सकती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बाकी ये इंशाल्लाह यहाँ पे थोड़ी देर सेट करके देखते हैं, अच्छी से रहेंगी तो इंशाल्लाह फिर जब और मछलियाँ लेके आएंगे ना फिर सेटिंग इसकी चेंज भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों,